दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं इमेज को जियो टैग कैसे कराते हैं। दोस्तों, आप कोई भी इमेज को अगर जियो टैग कराते हैं तो उससे हो यह जाता है कि उस इमेज के साथ एम्बेड हो जाएगी। आप किसी इमेज, वीडियो, ऑडियो, किसी भी फाइल के साथ जियो टैग दे सकते हैं। तो मेनली ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है, जो गूगल मैप पे आप जाते हैं, कोई भी लोकेशन अगर सर्च करते हैं तो आपको रूट दिखाता है। ये इसी सिस्टम पे वर्क करता है। आजकल कार, नई कार्स में आप देख पाएंगे जीआईएस लगा होता है। तो मेनली ऐसी फ़ोटोज जिसमें जियो टैग की ज़रूरत पड़ती है, इसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि उसका जो लेटिट्यूड है, लंगिट्यूड है, एग्जैक्ट लोकेशन है, उसके बारे में कुछ और कीज़ हैं जिसे आप एसईओ में यूज करते हैं। मेन इसका यही उद्देश्य रहता है कि आप इसे एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात किया है और हमने आपको इलस्ट्रेट किया है कि किस तरह से आप जियो टैग का इस्तेमाल बेहतरीन बखूबी ढंग से कर लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा एंड आप कोई भी इमेज को जियो टैग करा सकते हैं। तो मैंने भी देखिएगा दोस्तों, 26 दिसंबर 2021 को मैं सेंट मैरीज स्कूल देवसर गया था और वहाँ पे यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे बुलाया गया था और मैंने उसे 5 से 7 मिनट के अंदर मैंने इस प्रॉब्लम को, इस ग्लिच को सॉल्व कर दिया था। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से किसी भी इमेज को आप जियो टैग करा सकते हैं एंड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो अपलोड करने वाला हूं, उसे जियो टैग देने वाला हूं। तो मैंने ये देखिएगा, जियो टैग देने के लिए मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं और वेबसाइट यूज कर रहा हूं, jioimgr.com। आप ये देख सकते हैं यूआरएल है इसका, और ये जैसे आप टाइप करेंगे आपके कंप्यूटर पे, सर्च इंजन पे, तो ये सामने ओपन हो जाएगा। देखिएगा इसका जो फीचर है, तो आप इसे फ्री में भी यूज कर सकते हैं एंड ये आपसे बाय करने के लिए भी है। तो जैसे आपको कोई मैनुअल एड्रेस सर्च करना है तो उसके लिए आपको बाय की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा किस तरह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा आपके सामने ये मैप है एंड ये मैप एक्टिवेट हो जाएगा जैसे आप यहाँ पर जाके फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके गैलरी पे जो फ़ोटोज रहेंगी वो यहाँ पे शो होंगी। तो वेल देखिएगा, मैं वो फ़ोटो शो करूँगा जो मैं इसे जियो टैग करना चाह रहा हूँ। कोई भी फ़ोटो हो सकती है। तो देखिएगा, मैं इस वाली फ़ोटो को चूज कर रहा हूँ एंड इसे मैं अब डन कर रहा हूँ। अब देखिएगा, ये जो फ़ोटो है ये अब यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी जियो टैग इसमें पाया नहीं गया है, मतलब ये जियो टैग वाली इमेज नहीं है। तो इसे जियो टैग करने के लिए देखिएगा, ऊपर अपना ये एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पे मैं प्लेस का नाम दे सकता हूँ एंड उसे सर्च कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि प्लेस का नाम अगर मैं दूंगा तो इसे ये बाय करने के लिए बोलेगा, क्योंकि मैं इसे ख़रीदना नहीं चाह रहा। इसीलिए मैं टू फिंगर्स का यूज करके, अगर आप डेस्कटॉप यूज करें तब कंट्रोल के साथ यूज कर सकते हैं, आप दो फिंगर का यूज करके उस स्थान पे जा सकते हैं जहाँ पे आप अभी रह रहे हों एंड यहाँ पे आप इसे, जो आपका लोकेशन बता रहा है, आप इसे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं कहीं पे भी। तो चलिए मैं इंडिया में हूँ और एंड यहाँ पे भी हूँ, तो मैं उसे थोड़ी और जूम कर लूँगा। जैसे जैसे आप इस इमेज को जूम करते जाएंगे तो क्लियर लोकेशन आती जाएगी और वो क्षेत्र भी आपके सामने दिखाई देता जाएगा। तो अब चलिएगा, यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हूँ, तो मैं इसे और ऊपर ला रहा हूँ यहाँ पे एंड अब ये देखिएगा, और जूम करूँगा तो आपके सामने और भी बड़ा ये मैप आता जाएगा। तो एंड मैं इसे यहाँ पर ला रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट लोकेशन मतलब मैप आपको देखना आना चाहिए, तभी आप इस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। तो टू फिंगर्स को यूज करते हुए मैं ऐसे कर रहा हूँ एंड यहाँ पर ये है महान नदी एंड ये है गोपद नदी एंड यहाँ पे हम रहते हैं। तो चलिए यहीं कहीं आसपास मैं रह रहा हूँ, तो यही मैं लोकेशन दे रहा हूँ। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, आपको डाउन पे जाना है। देखिएगा, लेटिट्यूड लंगिट्यूड जो उस लोकेशन का है मेनली हुआ जाएगा। आपको बिल्डिंग चूज कर लेना है, जैसे मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट देवसर है, तो मैं वो लोकेशन पर और जूम करके पहुँच जाऊँगा। एंड देन उसके बाद आप करेंगे क्या, जो आपके सामने इधर इमेज है, तो यहाँ पे कोई अगर कीवर्ड्स देना चाहेंगे तो आप कीवर्ड्स इसके साथ एम्बेड करा सकते हैं, मतलब कि कभी वो अगर कीवर्ड सर्च किया जाता है तो उस टेक्स्ट के स्थान पे आपकी इमेज भी आ जाएगी। तो आप यहाँ पे कोई कीवर्ड्स भी दे सकते हैं एंड नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और इसके साथ लेटिट्यूड लंगिट्यूड जो है वो पूरा, या जियो टैग जो है वो एम्बेड हो जाएगा। देन आपको क्लिक कर देना है राइट EXIF टैग्स पे। क्लिक करने के बाद डाउनलोड बटन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब देखिएगा, इमेज डाउनलोड हो रही है
एंड जब भी कहीं आप अपलोड करेंगे जियो टैग इमेज जो कि जियो टैग वाला फॉर्म मांग रही है, और मेनली इसका उद्देश्य रहता है कि जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम को कलेक्ट करना, तो आपकी इमेज बकायदा वहाँ पे काम करेगी। तो दोस्तों ऐसी किसी भी वीडियो से हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।